पिछले 10 वर्षों से खराब है। हर साल कॉलोनी के अंदर बारिश में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण लोगों को घर से निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण कॉलोनी के रोड पर एक बार फिर पानी जमा हो गया है, जिससे स्कूली बच्चे और काम पर जाने वाले लोगों सहित रहवासियों का निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि एकता कॉलोनी का निर्माण करने वाले नरीम खान और उनके 3 भाई, जिन्होंने कॉलोनी वासियों को रोड, नाली, बिजली और पानी की सुविधा देने का प्रलोभन देकर कॉलोनी का प्लॉट बेचकर मोटी कमाई की, अब उन्होंने अपने घरों में कुंडी मार ली है। कॉलोनी को ग्राम पंचायत में भी रजिस्टर नहीं करवाया गया और कॉलोनी निर्माण की NOC पंचायत से नहीं ली गई। सर, ये वार्ड नंबर 7 हीरापुर एकता कॉलोनी में अभी हम लोग हैं। यहाँ पे जिन्होंने ये प्लॉटिंग को बेचा है, उनके द्वारा जिस तरह पहले प्रलोभन दिया गया था कि यहाँ नाली रोड सब बनाई जाएगी, लेकिन अभी 8-10 साल हो गए और किसी भी प्रकार से पानी निकासी की व्यवस्था जो थोड़ी बहुत थी, तो सामने जो नई भी है जिनने प्लॉट बेचा है उसने उसको भी बंद कर दिए। इस वजह से पानी इतना भरता है कि यहाँ से स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, काम वाले काम करने नहीं जा सकते, और अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा गाड़ी से आ रहा था, वो भी गिर गया। तो ये समस्या काफ़ी बड़ी समस्या है, जो कि अभी तक इस नाली और रोड को पंचायत में भी रजिस्ट्री नहीं की गई है, तो पंचायत भी यहाँ किसी स्तर पर काम नहीं कर रही है। तो हम चाहेंगे, मालिक कौन है प्लाट का? प्लाट के मालिक तो जिनमें से अभी सिर्फ एक का नाम मुझे पता है, नईम खान जी करके हैं, और भी उनके 3-4 भाई लोग हैं, और फिर उन्होंने शायद किसी के द्वारा ये प्लॉटिंग करवाई है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कॉलोनाइजर एक्ट का यहाँ पे बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है, महंगे महंगे दामों में प्लॉट बेचा गया और हर एक घर 15-20 घर है, सबके सामने पानी भरा हुआ है और यहाँ पे सब मोटी कमाई करके निकल गए हैं, लेकिन लोगों को जो समस्या है तो अभी कोई भी सामने नहीं आ रहा है। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ड्यूटी वाले अगर माइंस में ड्यूटी गए हैं रात में घर नहीं आ सकते वापस, इतना पानी भरा हुआ है और गंदगी फैली है। यहीं पे बिजली के लोहे के खंभे हैं और कभी भी इससे करंट आ सकता है, और देखा जाए तो डेंजर बना हुआ है, यहाँ पे लोगों को जान का भी खतरा है। बाजू में इतना गंदगी है कि सांप बिच्छू घर के अंदर तक आते हैं। तो हम शासन से मांग करेंगे कि जल्दी से जिस प्रकार की यहाँ गंदगी बनी हुई है, आप अभी भी देख सकते हैं पानी में कितनी गंदगी है, इससे बीमारी हो सकती है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उससे काफ़ी सारी समस्या और भी उत्पन्न हो सकती है। तो हम प्रशासन से चाहेंगे कि हमारी इस समस्या को जल्दी से जल्दी निराकरण, हम चाहेंगे कि जिस किसी ने भी इस प्लॉटिंग किया है, कॉलोनाइजर है, चाहे वो दलाल हो या बेचने वाले हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई भी प्लॉटिंग करके ऐसा अधूरे में अपनी कॉलोनियाँ ना छोड़े, ताकि रहने वालों को उससे दिक्कत हो। यहाँ तो समथिंग हम लोग 8-10 साल हो गए यहाँ पर रह रहे हैं, तो जब से पानी की भी समस्या, यहाँ पे निकासी साधन नहीं है, यहाँ पे जिसमें प्लॉटिंग पहले वो वहाँ से मुंगा दिया गया था पानी निकालने के लिए, तब एक भी पानी नहीं रहता था यहाँ पे, सीधा वो नाले में चला जाता था। जब से उन्होंने बाउंड्री वाल डाले हैं तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चे लोगों को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ है। बताइए आप, इतने पानी में मेरे बच्चे लोग स्कूल कैसे जाएंगे, इधर पूरे बच्चे लोग कैसे, बस ऊपर से पानी है। हमारी यही है कि पानी निकासी साधन जिन्होंने प्लॉटिंग किए हैं या जिन्होंने बेचे हैं, वो पानी निकासी साधन बना दे बस, और कुछ उन्होंने प्लॉटिंग करके बेचे, उन्होंने बोले थे कि रोड वोड सब बना के दूंगा, नाली बना के दूंगा, पर ऐसा अभी तक के 10 साल होने लगा, कुछ किए ही नहीं, ना तो यहाँ तक कि पंचायत में उन्होंने रोड को दर्शाया नहीं है अभी तक। ग्रामीण भारत TV के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।